आज हम बात करने वाले हैं नेक्सोन फेसलिफ्ट 2023 के बारे में। सभी लोग बातें कर रहे हैं तो हमने सोचा हम भी बातें कर लें। इस गाड़ी की काफी तगड़ी हाइप क्रिएट हो रखी है इंडियन मार्केट में और काफी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके लीक्ड फोटो देखने के बाद तो खासकर। और कुछ लोगों को इस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की सेफेस्ट कार है 5-स्टार रेटिंग के साथ, तो काफी ज्यादा इंडियन कार पर भाई भरोसा लोग करते हैं और इसी वजह से शायद इस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इस गाड़ी के लुक्स के बारे में, किस तरह के चेंजेस आपको इस नई नेक्सोन में दिखने वाले हैं और क्या क्या भाई मेजर फीचर्स ये नई नेक्सोन आपको प्रोवाइड करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, इसके इंटीरियर की। इसमें आपको 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, साथ में 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम और फुल्ली इंस्ट्रूमेंट डिजिटल क्लस्टर, वैसा जैसा आपको टाटा सफारी और टाटा हैरियर में देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ साथ आपकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए टाटा ने बहुत सारे नए नए कलर्स भी इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस करने का सोचा है। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे इनमें से कुछ कलर आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कलर्स मैं आपको शो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता जुलता सा ही आपको मिलने वाला है। और अगर इसकी एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो एक कस्टमर्स का ध्यान खींचने में कहीं से कहीं तक भी नाकाम नहीं रही गाड़ी, और अभी तक तो इसकी पूरी प्रॉपर एक्सटीरियर लुक्स रिवील नहीं हुई है। बाकी जो वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है उस गाड़ी को देखकर तो काफी ज्यादा लोग इसकी लुक को अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत लोग इस गाड़ी में कमी बताते थे वो इसकी टेल लैंप है, लेकिन भाई वो कमी भी अब टाटा ने पूरी कर दी है। एक बार इसके पीछे से आप लुक देखो किस तरह के यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और इस गाड़ी के एलईडी स्लीक टेल लैंप नेक्सोन की लुक में वाकई में चार चांद लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। और इसी के साथ एक और उम्मीद इस गाड़ी से लगाई जा रही है कि इस गाड़ी में नया आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, साथ ही 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन भी आपको मिलेगा इस गाड़ी में एज पर सोर्सेस। और एक और इंजन 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन भी आने की पूरी तरह से उम्मीद है। और टाटा ने कोई एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं करी अभी, लेकिन इस गाड़ी के पूरी तरह से चांसेस हैं सितंबर 2023 में लॉन्च होने के। क्रोम के साथ टाटा का लोगो और स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल सभी चीज आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है। और टाटा की तरफ से नए कनेक्टिंग टेल लैंप इस गाड़ी को वाकई एक बड़ी शानदार सी लुक दे रहे हैं पीछे की तरफ से अगर बात करें तो। और साथ ही इस गाड़ी में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील भी ऑफर करे जाएंगे कंपनी की तरफ से बिल्कुल नए एक डिजाइन के साथ। बाकी अगर एग्जैक्ट बात करें किस तरह के इसमें अलॉय व्हील मिलने वाले हैं तो एक बार आपको मैं दिखाई देता हूं किस तरह के यहाँ पर अलॉय व्हील मिलेंगे आपको। इस तरह के कुछ भाई जैसे ईवी में आपको अलॉय व्हील मिलते हैं उस तरह के कुछ मिलने वाले हैं। और बाकी फ्रंट से भी आपको बिल्कुल एक नई शानदार लुक मिलने वाली है, बिल्कुल एलईडी DRL वगैरह, प्रोजेक्टर हेडलाइट वगैरह सभी चीज आपको मिलेंगी। और अगर आप प्लान कर रहे हो 10 लाख तक की गाड़ी लेने का तो भाई इस गाड़ी को प्रॉपर एक तरह से देख लें, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें, क्योंकि नई गाड़ी है, नई भाई सेफ्टी वेफ्टी सब चीज आपको बढ़िया मिलने वाली है।